हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेक वर्ल्ड। फ्रेंड, अगर आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अब अगर सेशन लेट होता है, रिजल्ट में देरी होती है, तो कुलपति और अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। तो फ्रेंड, क्या कुछ अपडेट निकल करके आया है बिहार सरकार राजभवन से, चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे कि कैसा कैसा कार्रवाई हो सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को सही समय से मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, नामांकन, परीक्षा और परिणाम तय समय में पूरा करने का किया जाएगा प्रावधान। शैक्षणिक कैलेंडर पर तय होगी विश्वविद्यालयों की जवाबदेही। यहाँ पर विस्तार से समझिए, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, शैक्षणिक कैलेंडर को समय पर पूरा करने के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों की कानूनी जवाबदेही तय होगी। विद्यार्थियों के नामांकन, परीक्षा के आयोजन और परीक्षा फल प्रकाशन तक को तय समय में पूरा करने को लेकर कानूनी प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन होगा। शिक्षा विभाग के अधिकारी प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। इसके बाद विधि विभाग और राज्य कैबिनेट की स्वीकृति को लेकर आगे बढ़ेगी। फ्रेंड, आप सभी को बता दूं कि अधिनियम में यह भी प्रावधान होगा कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर जारी करने के पहले राजभवन द्वारा राज्य सरकार से भी सहमति ली जाएगी। शैक्षणिक कैलेंडर का अक्षर पालन हो ताकि समय सीमा में परीक्षा और विद्यार्थियों का रिजल्ट प्राप्त हो। फ्रेंड, आगे यहां पर देख पा रहे होंगे, पढ़ाई पर कुलपति और पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अधिनियम में यह भी प्रावधान रहेगा कि शैक्षणिक कैलेंडर एक खास अवधि से अधिक दिनों तक लंबित रहे तो विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। अधिनियम में संशोधन को लेकर राज्य कैबिनेट की स्वीकृति लेने के बाद विधानमंडल में इसको लेकर विधेयक पारित किया जाएगा। विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल की उस पर सहमति ली जाएगी, फिर अधिनियम में संशोधन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आपने देखा कि क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसलिए लिया गया फैसला, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों में राज्य के अधिकांश विश्वविद्यालयों की समस्या यह रही है कि शैक्षणिक सत्र विलम्ब से चलते हैं। कुछ विश्वविद्यालय में दो दो साल भी विलम्ब सत्र चलते हैं। इससे विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई शुरू करने में दिक्कतें आती है। शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर राजभवन और शिक्षा विभाग की ओर से लगातार समीक्षा की जाती है और दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं, पर अब भी यह चुनौती बनी हुई है। इसको देखते हुए शिक्षा विभाग शैक्षणिक कैलेंडर को समय पर पूरा करने को लेकर यह कदम उठाया है। तो फ्रेंड, यहां पर आपने देखा कि अब शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ही विश्वविद्यालय चलेगा, यूनिवर्सिटी चलेगी, है बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय क्यों नहीं हो। यहां पर देख सकते हैं, शिक्षा सेवा के अधिकारी बनेंगे उप कुल सचिव। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारियों को विश्वविद्यालय के उप कुल सचिव बनाया जाएगा। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के स्तर से होगी। इतना ही नहीं, कुल सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर वित्त परामर्शी और वित्त पदाधिकारियों की अर्हता में भी बदलाव किया जा सकता है। इसको लेकर भी विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन की तैयारी है। संशोधन होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी भी विश्वविद्यालय में तैनात किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड, देख सकते हैं, ये सभी नियम बनने वाले हैं बिहार के, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो। अब लग रहा है कि छात्र छात्राओं को इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में ऐसा बहुत सारा यूनिवर्सिटी है जिसमें समय सीमा में कोर्स पूरा नहीं होता है। ग्रेजुएशन का कोर्स 3 साल का पहले होता था, तब 6 साल में कंप्लीट होता था, अब 4 साल का हो गया है तो न जाने कितने सालों में कंप्लीट कराएगा यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर यह सब नियम बन जाती है तो छात्र छात्राओं को बहुत फायदा होगा और शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ही यह जो आपका परीक्षा होगा, नामांकन होगा, सभी चीजें होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस नियम से संतुष्ट होंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें ताकि आने वाली सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को समय सीमा से मिल सके। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।